हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं चंडीगढ़ TGT का इंग्लिश का पेपर, जो कि सेकंड था। इससे का पहला पेपर जो होता है वो कॉमन होता है, वो हमने हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप उसको हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न है, ए.सी. ब्रैडली शेक्सपियरियन ट्रेजेडी वॉज पब्लिश्ड इन। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है पहला। दूसरा है, सार्टर रिसार्टस इज अ टेक्स्ट बाय। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है तीसरा। अगला प्रश्न है, द नेम ऑफ डॉक्टर जॉनसन्स बायोग्राफर इज। तो इसका सही जवाब है बोसवेल। अगला क्वेश्चन है, सच अ लॉन्ग जर्नी इज रिटन बाय। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है रोहिंटन मिस्त्री। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5, द एसे द डेथ ऑफ द ऑथर इज रिटन बाय। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है पहला वाला। क्वेश्चन नंबर 6 है, न्यायशास्त्र इज रिटन बाय। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है तीसरा, भारत मुनि। विच ऑफ द फॉलोइंग फेमिनिस्ट क्रिटिक्स डिड यूज द एक्सप्रेशन गाइनोक्रिटिज्म फॉर द फर्स्ट टाइम। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है पहला। क्वेश्चन नंबर 8, J.M. कोडजी फोय इज अ पोस्ट मॉडर्न रीटेलिंग ऑफ। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है तीसरा वाला। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, द टर्म मेटाफिजिकल पोएट्स वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय। तो इसका सही जवाब है डॉक्टर जॉनसन। अगला है, टू हुम डज चौसर रिफर व्हेन ही सेज दैट ही न्यू दैट टर्वन वेल इन एवरी टाउन। तो इसका सही जवाब है चौथा। अगला प्रश्न है, द टर्म अमेरिकन रेजिसेंस वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है पहला। अगला है, द एनेक्सिटी ऑफ इंफ्लुएंस अ थ्योरी ऑफ पोएट्री इज रिटन बाय। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है तीसरा। अगला है, विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज इज एन एक्सप्रेशन फर्स्ट यूज्ड बाय। इसका सही जवाब है दूसरा। अगला है, मुरली स्पार्क द प्राइम ऑफ मिस जीन ब्रूडी इज अ री राइटिंग ऑफ विक्टोरियन नोवेल। इसका सही जवाब है पहला। अगला है, द टाइम मशीन इज रिटन बाय। इसका सही जवाब है तीसरा। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स बाय डिकेंस डज अटैक द न्यू पुअर लॉ ऑफ 1834 इन द ओपनिंग चैप्टर्स। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ओलिवर ट्विस्ट। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर डज अपियर इन वेटिंग फॉर गोडॉट। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है लकी। अगला है, हमर्टिया मीन्स। तो दोस्तों, हमर्टिया का मतलब है एरर ऑफ जजमेंट, यानी कि इसका आंसर चौथा है। अगला है, स्प्रंग रिदम इज एसोसिएटेड विथ। तो इसका सही जवाब है G.M. हॉपकिंस। अगला है, जिंदी वोरो बैक मूवमेंट रिलेटेड टू। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर। अगला है, जॉन
एवलिन एंड सैमुअल पेपी वर फेमस राइटर्स ऑफ, तो इसके दोनों फेमस थे डायरी लिखने के, तो इसका सही जवाब है पहला। अगला है वैनिटी फेयर इज रिटन बाय, तो दोस्तों इसका सही जवाब है डब्ल्यू एम ठाकरे। अगला है स्विफ्ट टेल ऑफ अ टब इज सटायर ऑन, तो दोस्तों इसका सही जवाब है तीसरा डोगमा एंड सुपरस्टिशन। अगला है द मिस्ट्री प्लेस डील विथ, इसका सही जवाब है पहला। अगला है राइडर्स टू द सी इज अ प्ले रिटन बाय, इसका सही जवाब है जी एम सियांग। अगला है द इफेक्टिव फैलकी द टर्म वॉज कॉइंड बाय, इसका सही जवाब है डब्ल्यू के विमसैट एंड एम सी ब्रैडसली। अगला है इन एडोनियस शेली मोरॉन्स, इसका सही जवाब है द डेथ ऑफ जॉन केट्स। क्वेश्चन नंबर 28 अंकल टॉम्स केबिन इज प्रिमली एग्जाम्पल ऑफ, इसका है एंटी स्लेवरी राइटिंग। नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर फॉर 2014 वॉज गिवन टू, इसका आंसर है चौथा पैट्रिक मुडानियो। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट इज एसोसिएटेड विथ द एंग्री यंग मैन मूवमेंट इन इंग्लैंड, इसका सही जवाब है रूम एट द टॉप। एवेलिना इज रिटन बाय, इसका सही जवाब है फैनी बर्नी। अगला प्रश्न है टू सर्व विद द लव इज कंसर्न विद ई आर ब्रेथवेट एक्सपीरियंस एस, इसका सही जवाब है अ ब्लैक टीचर इन लंदन। क्वेश्चन नंबर 33 विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेट टू बी द फाउंडर ऑफ द स्कूल ऑफ थॉट कॉल्ड यूटिलिटेरियनिज्म, तो दोस्तों इसका सही जवाब है पहला। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34 द सेल्टिक ट्विलाइट अ बुक ऑफ शॉर्ट स्टोरीज वॉज रिटन बाय, डब्ल्यू बी यीट्स। द सब टाइटल ऑफ मैथ्यू आर्नॉल्ड्स कल्चर एंड एनर्जी इज, का पहला सही जवाब है पहला वाला। क्वेश्चन नंबर 36 विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिक्स डिड इंट्रोड्यूस द टर्म डायलॉगिज्म, इसका सही जवाब है तीसरा। क्वेश्चन नंबर 37 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंफ्लुएंस्ड बाय एक्सप्रोनिज्म, इसका सही जवाब है पहला। अगला है अलेक्जेंडर पॉप एसे ऑन क्रिटिसिज्म 1711 इज, इसका सही जवाब है दूसरा। अगला प्रश्न है फ्लैट एंड राउंड कैरेक्टर्स वर प्रपोज्ड बाय, सही जवाब है पहला। द टर्म पैथेटिक फेलेसी वॉज इन्वेंटेड बाय, तो इसका सही जवाब है जॉन रस्किन। क्वेश्चन नंबर 41 स्केप्टर एंड क्राउन मस्ट टम्बल डाउन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इसका सही जवाब है पहला वाला। इन कोलेड्रिजिस क्रिस्टिबल ग्रेलेडाइन
इज, इसका सही जवाब है दूसरा। क्वेश्चन नंबर 43, ऑफ हीरोज हीरो वॉरशिप एंड द हीरोइक एंड द हिस्ट्री इज रिटन बाय, इसका सही जवाब है जॉन रस्किन। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिड राइट द फर्स्ट इंडियन नोवल इन इंग्लिश, इसका सही जवाब है बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स डिड राइट अबाउट सतपुरना इन द फोरवर्ड ऑफ हिज हर नोवल, इसका सही जवाब है राजा राव। द फ्यूचर पोएट्री वॉज रिटन बाय, सही जवाब है तीसरा। क्वेश्चन नंबर 47, बलाड हैज ट्रेडिशनली बीन कंसिडर्ड, इसका सही जवाब है पहला। क्वेश्चन नंबर 48, अरोरा लीग इज, इसका सही जवाब है अ नोवेल इन वर्से। क्वेश्चन नंबर 49, औरंगजेब अ हीरोइक प्ले वॉज रिटन बाय, इसका सही जवाब है जॉन ड्राइडन। क्वेश्चन नंबर 50, बियट्रिस एंड बेनेडिक द टू कैरेक्टर्स फिगर इन शेक्सपियर्स, तो दोस्तों इसका सही जवाब है पहला वाला। क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द वेस्कर्स ट्रियोलॉजी, तो दोस्तों इसका सही जवाब है चौथा। क्वेश्चन नंबर 52, विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन वॉज रिटन बाय, इसका सही जवाब है चौथा। क्वेश्चन नंबर 53, वाइव्स एंड डॉटर्स वर एन अनफिनिश्ड नोवेल बाय, इसका सही जवाब है सेकंड। द लॉन्ग रेवोल्यूशन इज रिटन बाय, इसका सही जवाब है दूसरा। द सेक्शन व्हाट द थंडर सेड ऑफ द पोयम द वेस्ट लैंड बाय टी एस एलियट रेफर्स टू, इसका सही जवाब है तीसरा। क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग डस नॉट बिलोंग टू ब्लूम्सबरी ग्रुप, इसका सही जवाब है चौथा। डिकेंस फेमस नॉवल ब्लीक हाउस इज अबाउट, इसका सही जवाब है दूसरा। क्वेश्चन नंबर 58, हु ऑफ द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड विद द स्टेटमेंट मिल्टन वॉज ऑफ द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट, दोस्तों इसका सही जवाब है पहला। क्वेश्चन नंबर 59, द डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी इमेजिनेशन सेकेंडरी इमेजिनेशन एंड फैंसी ऑकर्स इन बायोग्राफी लिटेरिया इन चैप्टर, तो दोस्तों इसका सही जवाब है दूसरा। क्वेश्चन नंबर 60, जेम्स जोइस नोवेल अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन इज प्रोमिनेंट एग्जाम्पल ऑफ, इसका सही जवाब है पहला। क्वेश्चन नंबर 61, जूलीज पीपल अ नोवेल रिटन बाय नैंडनी गॉर्डिमर इज अबाउट, इसका सही जवाब है दूसरा। क्वेश्चन नंबर 62, हु
हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्मलिस्ट क्रिटिक? तो दोस्तों इसका सही जवाब है पहला। क्वेश्चन नंबर 63। बारबस इज द मेन कैरेक्टर इन मार्ट्यू प्ले? तो दोस्तों इसका सही जवाब है तीसरा। नेक्टर इन अ सीव इज रिटन बाय? सही जवाब है पहला। क्वेश्चन नंबर 65। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल? इसका सही जवाब है चौथा। क्वेश्चन नंबर 66। जीन राइस वाइट सरब गैसो सी इज सेट इन? इसका सही जवाब है द कैरेबियन। क्वेश्चन नंबर 67। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अबाउट दिस टोफिया? इसका सही जवाब है पहला। क्वेश्चन नंबर 68। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स डस कंटेन द फ्रेज स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी? तो इसका सही जवाब है चौथा। टू डेफोडिल्स इज अ पोएम रिटन बाय? तो दोस्तों इसका सही जवाब है दूसरा। क्वेश्चन नंबर 17। वन ऑफ द मोस्ट फेमस डायरेक्ट एड्रेस टू द रीडर्स रीडर आई मैरिड हिम ऑकर्स इन? इसका जवाब है पहला। चार्ली ड्रॉविन चार्ल्स ड्रॉविन्स ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज वॉज पब्लिश्ड इन? इसका सही जवाब है 1859। क्वेश्चन नंबर 72। द मोटो ओनली कनेक्ट इज टेकन फ्रॉम? इसका सही जवाब है पहला वाला। क्वेश्चन नंबर 73। विच फेमस रोमांटिक पोएम डस बिगिन विद द लाइन हेल टू द ब्लीड स्पिरिट बट दो नेवर वर्ट? तो दोस्तों इसका सही जवाब है तीसरा, टू अ स्काई लार्क। क्वेश्चन नंबर 74। द टाइटल ऑफ विलियम फॉल्कनर द साउंड एंड द फरी इज टेकन फ्रॉम अ प्ले बाय? तो दोस्तों इसका सही जवाब है विलियम शेक्सपियर। क्वेश्चन नंबर 75। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ रेस्टोरेशन प्ले राइट? तो दोस्तों इसका सही जवाब है बेन जॉनसन। क्वेश्चन नंबर 76। मॉली ब्लूम इज अ कैरेक्टर इन जेम्स जोइस? इसका सही जवाब है तीसरा। क्वेश्चन नंबर 77। टी एस एलियट यूजेस द टर्म ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव इन हिज एसे? तो इसका सही जवाब है हैमलेट, यानी कि पहला वाला। क्वेश्चन नंबर 78। ब्लिंडा लैपडॉग इन पॉप्स द रेप of the lock is named? तो इसका सही जवाब है शॉक। क्वेश्चन नंबर 79। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स बाय वी एस नायपॉल इज सेट इन अफ्रीका एंड कैरीज इकोस ऑफ जोसेफ कोनार्ड? तो दोस्तों इसका सही जवाब है तीसरा। देयर इज नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट is a key statement emanating from? इसका सही जवाब है deconstruction. Which of the following novels is not written by Margaret Atwood?
तो दोस्तों इसका सही जवाब द है द स्टोन एंजल। क्वेश्चन नंबर 82, द टर्म कल्चरल मेटरलिज्म इज एसोसिएटेड विथ। इसका सही जवाब है 30। इसका सही जवाब है तीसरा। क्वेश्चन नंबर 83, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन्स डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर। तो दोस्तों इसका सही जवाब है 1755। किपलिंग्स द वाइट मैंस बर्डन इज एड्रेस टू। इसका सही जवाब है द अमेरिकन इंपीरियल मिशन इन द फिलीपींस। क्वेश्चन नंबर 85, इमेजिन्ड कम्युनिटी इज अ कॉन्सेप्ट प्रोपोंडेड बाय। इसका सही जवाब है सेकेंड वाला। क्वेश्चन नंबर 86, द ऑथर ऑफ जेंडर ट्रबल इज। इसके ऑथर है जूडिथ वाल्टर। मैजिक रियलिज्म इज क्लोजली एसोसिएटेड विथ। तो दोस्तों इसका सही जवाब है पहला वाला। क्वेश्चन नंबर 88, द टर्म द मोमेंट वॉज कॉइंड बाय। इसका सही जवाब है सेकेंड जी डी स्कॉट। क्वेश्चन नंबर 89, लिसिदास इज रिटन बाय। इसका उसको लिखा है जॉन मिल्टन ने। फर्स्ट इंग्लिश पर्सन टू इंट्रोड्यूस अ प्रिंटिंग प्रेस इन इंग्लैंड वॉज। इसका सही जवाब विलियम कैक्सटन। क्वेश्चन नंबर 91, रेपेंसेस इज ऑल इज अ लाइन फ्रॉम। इसका सही जवाब है हैमलेट। क्वेश्चन नंबर 92, यू आर अंतमूर्ति समस्करा वॉज ट्रांसलेटेड बाय। इसका सही जवाब है ए के रामन जुना। क्वेश्चन नंबर 93, द माइंड फॉरगेट मैनेकल्स इज अ फ्रेज फ्रॉम। इसका सही जवाब है लंदन। क्वेश्चन नंबर 94, इमेजिज्म इज एसोसिएटेड विथ। इसका सही जवाब है टी ई हॉलमी। क्वेश्चन नंबर 95, द कन्फेशन ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर इज रिटन बाय। तो इसका सही जवाब है फोर्थ। द टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज ड्राइव्ड फ्रॉम द राइटिंग ऑफ। इसका सही जवाब है विलियम जेम्स। क्वेश्चन नंबर 97, द फ्रेज डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय। तो इसका सही जवाब है तीसरा वाला। जॉन बुनियन द पिलिग्रिम्स प्रोग्रेस वॉज रिटन व्हेन ही वॉज इन प्रिजन। क्वेश्चन नंबर 99, अ डांस ऑफ द फॉरेस्ट इज रिटन बाय। सही जवाब है फर्स्ट वाला। क्वेश्चन नंबर 100, होसला इज अ कैरेक्टर इन अ प्ले बाय। इसका सही जवाब है दूसरा, वेब सिटर। तो दोस्तों इस इंग्लिश के पेपर में इतना ही। हम आपके लिए इससे जुड़े हुए अन्य पेपर और भी लेके आएंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।